के अंदर सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़ पर भी आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, जो कि मवाना हसनापुर का जो प्राचीन यहाँ का रहस्य है। हसनापुर से लगी हुई जो हसनापुर रोड है, वहाँ पर पक्का तालाब है मवाने में। और गाइज, उसमें पेपर में भी आई है और न्यूज़ पर भी चल रहा है। वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग उस गुफा को देखने आ रहे हैं जो कि रहस्यमय गुफा है। पेपर में भी यही आया है कि रहस्यमय गुफा हसनापुर, जो हसनापुर निकलती है। सो गाइज, मैं आपको उसका पूरा रहस्य दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, क्या उसकी उसके पास जाएंगे, पक्का तालाब जाएंगे। और गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो गुफा है वो कैसी दिखती है, वहाँ पर क्या हुआ है। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पत्थर लगा दिया है। सो गाइज, मैं पूरी गुफा दिखाऊंगा आपको इस ब्लॉग में। सो गाइज, चलते हैं और मिलता हूँ आपको पक्के तालाब पर। सो गाइज, चलते हैं, मिलते हैं पक्के तालाब पर। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चुका हूँ जहाँ पर आपने न्यूज़ भी देखी होगी, पक्का तालाब मवाना हसनापुर रोड से स्थित है। तो न्यूज़ है, ये गुफा कहाँ निकल रही है बता रहे थे, रहस्यमय गुफा है जो कि निकल रही है सीधा हसनापुर। और गाइस, कोई कह रहा है कि ये निकल रही है कुएं पर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके आगे पत्थर लगा चुके हैं जो कि यहाँ का मवाना प्रशासन है, उसने यहाँ पर पत्थर लगवा दिया है और उसे बंद कर दिया है। और जब अधिकारी आएंगे वो पता करेंगे कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी जगह जहाँ पर ये स्थित है और दिखाता हूँ कि वो कौन सी गुफा है। सो गाइस, ये है पूरा पक्का तालाब जो कि खुस चुका है। जो बता रहे थे कि अंदर जो तालाब था वो पूरा यहाँ पर था, अपनी नहाने आती थी, उसकी अंगूठी गिर गई थी, बहुत सारी कहानी है। और गाइस, ये है वो गुफा, आप देख सकते हैं इस पे लगा दिया है पत्थर। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसी अंदर से दिखती है। और यहाँ पर पत्थर लगा चुके हैं, है वो गुफा जो कि पेपर में भी आया था और ये पूरी इसकी बात बता रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी जगह जो कि पक्का तालाब है। और ये है वो गुफा जो कि निकलती है हसनापुर, कोई कह रहा है हसनापुर निकलती है, कोई कह रहा है कुआं, हाँ जो कुआं है उस पर निकलती है। सो गाइस, मैंने आपको दिखाया ये वाली पूरी जगह और ये कुआं कि इसकी क्या क्या इसका रहस्य है। और मैं और भी आपको आगे बताऊंगा और पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि ये कैसी दिखती है और क्या इसका रहस्य है। सो गाइस, ये है पूरा पक्का तालाब, जैसे कि मैंने आपको गुफा भी दिखाई। ये है पूरा पक्का तालाब जो कि खुद चुका है। यहाँ पर पहले पानी होता था, वो सूख गया था, उसके बाद ये खुदा है पूरा। और मैंने आपको उस वहाँ पर है जो मैंने आपको ये गुफा दिखाई जहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, वहाँ पर लोग एकत्रित हैं अभी भी, बहुत सारे देख रहे हैं, गुफा की जानकारी ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये हसनापुर निकल रही है, कोई कह रहा है ये कुएं पर निकल रही है। सो गाइस, इसका रहस्य मैं आपको बताऊँगा इस व्लॉग में कि क्या है। कोई बता रहा है कि यहाँ पर और भी गुफाएँ हैं जो बंद कर दी गई हैं, जो ढहा दी गई हैं, और वे निकल रही थी सीधा हसनापुर की तरफ, जो हसनापुर कुआ है द्रौपदी का। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैं आया था तो यहाँ पर लोग काफ़ी एकत्रित हैं, इसके बारे में बात चल रही है। सो गाइस, मैं इनसे कंफर्म करता हूँ कि ये यहाँ पर क्या क्या था पहले, क्या तो भाई आप बताएंगे यहाँ पर क्या क्या था पहले। गुफा तो देखी नहीं पर सुनी सुनी है, पर यहाँ एक बारह दरी थी। अच्छा, वहाँ जीना भी था, उसके ऊपर बैठते थे। अच्छा महल था, एक कोठी टाइप में बना हुआ पुराना। उसमें कोई बारह दरी के नाम से ही मशहूर थी वो। अच्छा, और उसमें कोई एक गुफा जा रही थी जो पानी वाली थी, बैक में देख सकते हैं यही है वो जगह। ये बता रहे हैं पहले नीचे किला हुआ करता था और वहाँ पर जो बारह दरी थी, मतलब जो वो गुफा थी, वे निकलती थी, वे अब बंद हो चुकी हैं। और गाइस, मैंने आपको दिखाया पूरे यहाँ का जगह कि क्या यहाँ पर है। आप बैक में पूरा देख सकते हैं पक्का तालाब, यहाँ पर कितनी भीड़, महिलाएं और पुरुष सब आ रहे हैं, बहुत काफ़ी तादाद में उस जगह पर है गुफा जो मैंने आपको दिखाई। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं इस गुफा को देखने के लिए, बहुत भीड़ है। और गाइस, यहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने मुझे बताया कि ये
ये जो गुफा है ये कई कुओं से मिली हुई है। पहले पानी का जो बहाव होता था वो इसके जरिए ही निकलता था और कुएं से पानी इस तालाब में इसके इस गुफा के जरिए ही आता था। और कई का कहना ये है कि ये गुफा सीधा हस्तिनापुर, जो कई गुफा यहाँ बंद हो चुकी हैं, वे सीधा यहाँ से हस्तिनापुर निकलती थी। तो गाइस ये जो गुफा है जो मैंने आपको दिखाई ये कुओं से जुड़ी हुई थी और कुएं के द्वारा यहाँ पर पानी आता था। तो मैंने बताया आपको यहाँ का सारा क्या रहस्य है। और गाइस सो गाइस आप देख सकते हैं व्लॉग में ये प्राचीन गुफा जो कि अंदर से कैसी दिखती है पूरी। और गाइस इस तालाब में इस गुफा से के द्वारा ही यहाँ पर पानी भी आया जाया करता था। और गाइस इसके द्वारा ही यहाँ पर मैंने पहले भी सुना है कि यहाँ पे ये बताया जाता था कि यहाँ पर रानी जो नहाने आती थी, क्योंकि हस्तिनापुर से जुड़ी हुई है ये गुफा, सीधा हस्तिनापुर निकलती है और गाइस कुएं के पास ही निकलती है और यही इसका रहस्य है। सो गाइस ये आपको मैंने ब्लॉग में दिखाई पूरी, सामने गेट भी है जाली से बना हुआ। और तो यही है हस्तिनापुर का इस गुफा से मिलता हुआ रहस्य। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाया हस्तिनापुर का महाभारत से प्राचीन कालीन गुफा जो कि जुड़ी है मवाना पक्के तालाब से निकलती है हस्तिनापुर। सो गाइस मैंने आपको व्लॉग में पूरी गुफा का रहस्य बताया, उस गुफा के द्वारा ही यहाँ पर पानी के जरिए इस गुफा के जरिए पानी भी आता था और इस यहाँ पर रानी नहाने आती थी। सो गाइस मैंने आपको पूरा यहाँ का रहस्य बता दिया है, पूरी गुफा का रहस्य। सो गाइस ऐसे ही वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।